हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इट्स मी जयदीप में। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि मिग होल्डर को कैसे सेट करते हैं, पूरा असेंबल कैसे करते हैं। हमें पूरे टॉर्च खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमारे पास ये लीड है और ये सही है तो हमें पूरी टॉर्च खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको ये सामान मार्केट से खरीद के लाना है। एक स्वाइन नेक, उसका कैप, ये इसको बोलते हैं मुट्ठा, और ये डिफ्यूज़र है, और ये इसके टिप और टिप होल्डर है। ये चीज़ें आप मार्केट से ख़रीद के ले आइए, ये डिफ्यूज़र और ये टिप होल्डर और ये मुट्ठा, एक इसकी स्वाइन नेक और ये कैप। ये पांच चीज़ें खरीद के ले आइए आप मार्केट से, और आप इसको असेंबल अपने यहीं कर लीजिए। मार्केट में अगर आप इस पूरी कंप्लीट टॉर्च को लेने जाओगे तो ये आपको करीब 4,500 रुपये प्लस टैक्स देने पड़ेंगे, और ये आपकी छोटी पांच आइटम है ये आपकी ओनली 600 रुपये इसमें, यानी 600 रुपये में आपकी आ जाएगी, और इसको आप अपने इन हाउस असेंबल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा इसको असेंबल कैसे करेंगे, पूरा असेंबल एक वीडियो बनाऊंगा, और इसकी हेल्प से आप अपने इन हाउस पूरा टॉर्च कम्प्लीट असेंबल कर सकते हैं। तो आगे का वीडियो आप देखेंगे कैसे कैसे ये असेंबल हो रहा है। तो ये हमारी लीड है, तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा टॉर्च कैसे असेंबल करेंगे हम। तो पहले हमें इस लीड में और ये स्वाइन नेक, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है थ्रेड के थ्रू। ये हमारा जुड़ गया। अब ये वायर चलाने के हमारे कनेक्शन है लीड में जो दिए होते हैं। अब इसके एडजस्टमेंट के लिए हमें करना क्या है कि वायर के तार ऊपर आएंगे और जो स्वाइन नेक की ये नेक है ये नीचे की साइड जाएगी, तो इसको हमें एडजस्ट करना है। इसको हम थोड़ा ऐसे ले जाएंगे यहाँ पे और इसको इस लॉक नट से इस टॉर्च को यहाँ पे लॉक कर देंगे। ये हमने लॉक कर दिया। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी इस मुट्ठे की, जिसके अंदर हमारा ये स्वाइन नेक सेट होगा। उससे पहले हमें क्या काम करना है, ये इसका स्विच है टॉर्च चलाने का, इसको हमें सेट करना है इसके अंदर, इस स्विच को हमें इसके अंदर सेट करना है। तो उसको सेट करने के लिए हमें क्या करना है, ये यहाँ पे लगाएंगे इसको ऐसे, इसका एक छोटा सा स्क्रू होता है, ये एक स्क्रू अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा जूम कर रहे हैं आप, ये स्क्रू है, ये स्क्रू आपको यहाँ लगाना है। तो हमने अपना स्विच सेट कर लिया है सोल्डिंग करके, दिख रहा सोल्डिंग करके हमने सेट कर लिया है। अब हमें इसके अंदर लगा देना है। ये पहले हम इसको लगाएंगे कैसे, ये तार हम यहाँ से ऐसे डाल देंगे इसके अंदर, और ये स्विच को ऐसे फंसा लेना है, ये हमारा स्विच ऐसे लग जाएगा। इसका ये स्क्रू है, ये स्क्रू इसके अंदर डाला यहाँ, देख लीजिए यहाँ पे स्क्रू डाल दिया मैंने इसका, और ये स्क्रू डालने के बाद इसको यहाँ ऐसे हम टाइट कर देंगे। वायर कटर ला भाई, ये हमारा सेट हो गया है। ये सेट होने के बाद ये हम जब चलाएंगे ये टॉर्च ऐसे दबाएंगे स्विच को, ये हमारी टॉर्च काम करना शुरू कर देगी। उसके बाद ये जो दो तार हमारे निकले हैं, इन दो तारों को हमें ये जो तार है हमारे टॉर्च में जो लीड से निकल रहे, इन दोनों तारों को इसके साथ अटैच करना है। इस तरह से दोनों कनेक्शन को हमें जोड़ लेना है, और ये दोनों कनेक्शन जोड़ने के बाद हम इसको डाल देंगे यहाँ अंदर,
इस तरह से, और ऊपर से इसका ये होल्डर हम बंद कर देंगे। ये बंद करने के बाद इसके अंदर इसको टाइट कर देंगे हम ऐसे। ये स्क्रू से हमारा जो होल्डर है पूरा कंप्लीट आगे से टाइट हो जाता है। ये आगे की होल्डिंग के लिए है, आगे से होल्ड करने के लिए स्क्रू को सेट, स्क्रू से आगे का टोर्च सेट हो जाएगी, ये आगे से टाइट हो जाएगा पूरा। ये इस तरह से आपको करना है। और पीछे के लिए ये पीछे से है, इस पीछे से सेट करने के लिए इसको हमें इसके अंदर एक ही रबड़ का है, रबड़ स्ट्रैप होती इसकी है, और एक स्प्री इसको सही मूवमेंट देने के लिए। अब ये ऐसे ही है पीछे से, तो ये हमारा यहाँ पे होल्डर पूरा सेट हो गया है। आप भी पूरा होल्डर मार्केट में लेने जाएंगे तो ये आपको 4000 के करीब पड़ेगा, और ये आपका आगे की जो असेंबली है ये आपकी 600 रुपये में मिल जाएगी आपको, और 600 रुपये में आप पूरा टॉर्च बना सकते हैं अपने घर पे। अब इसमें आगे का क्या काम, आगे थोड़ा कुछ एक काम और रह गया है, ये डिफ्यूज़र डालेंगे। डिफ्यूज़र के बाद इसका होल्डर, टिप होल्डर, टिप लगाएंगे, और इसको ये इसको भी टाइट करेंगे। फिर इसकी लास्ट में ये कैप, और ये पूरा होल्डर तैयार, ये पूरा होल्डर तैयार हो गया है। तो ये हमारा होल्डर सेट हो गया पूरा। अब हम इसको ट्राई करके देखेंगे हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा सही, और ये बिल्कुल सही काम करेगा। तो स्क्रीन दे स्क्रीन देना, हर थोड़ा कुछ दे। होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी मेरे इस वीडियो से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।